ओके सो हेलो एवरीवन, मैं हूं रेहान, वेलकम बैक टू द चैनल रेहान खान व्लॉग्स। सो आज की वीडियो में हमारे साथ आ चुके हैं अमान भाई। सो अमान भाई और मैं ना इस वीडियो में डिसाइड किए कि ना एक्सोटिक का सीन करने का है ना भाई, फिर कुछ अलग कलेक्शन, फिर से कुछ अलग फोटोग्राफी, फिर से कुछ अलग ज्ञान आने वाला है। अच्छा, तो इस वीडियो में हम लोग ने डिसाइड किया कि आपको कुछ और एक्सोटिक पेट्स दिखाए। एंड थैंक यू वो वाले वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा प्यारे प्यारे कमेंट्स आए थे एंड आपने सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू। तो अभी फिर से हम दोनों की जोड़ी आ चुकी है कुछ नया लेके, तो चलो यार चलते हैं, आपको कुछ और प्यारे प्यारे पेट्स दिखाते हैं, घर पर चलते हैं। चलो चलो, अभी एक रेस्क्यू कॉल आ चुका है, स्नेक रेस्क्यू करने के लिए जरा पहले वहाँ पर जाकर आते हैं, फिर बाद में जो भी शूट वगैरह देखेंगे। चलो रेहान भाई। ओके भाई, तो चलो अभी हम लोग जा रहे हैं अमान भाई के साथ रेस्क्यू सीन पर, एंड जाते देखते कैसे रेस्क्यू करते हैं हमारे प्यारे अमान भाई। तो चलो चलते। तो भाई अभी हम लोग लोकेशन पे आ चुके हैं और ये देखो अमान भाई ने अपने हथियार सब ले लिए और अभी हम लोग बस चल रहे हैं हमारी लोकेशन। और देख सकते हो भाई फुल जंगल है ये, और शायद इन्हें कॉल किया था, तो ये साइड हमारा कुछ इधर ही किधर साफ है। किधर है भाई? अच्छा अमान भाई देखो अभी रेस्क्यू कर रहे हैं फुल हमारा कोबरा, एंड मैं थोड़ा दूर रह के ही दिखाऊंगा भाई मेरी कुछ बटी है, मैं कभी पहली बार दिख रहा हूँ मेरे लाइफ में ऐसे सब सी। एंड वो देखो भाई, तो वो कोबरा है और ये देख सकते हो प्रॉपरली रेस्क्यू हो रहा है। अरे बाप रे, बहुत बड़ा सांप है भाई ये। ये देखो बाप रे भाई, ओके भाई अमान भाई दूर रखो थोड़ा। अरे माँ कसम, इंडिया के बिग फोर गणमत नेक में से एक है भाई। क्या भाई? इंडिया के बिग फोर वेनोमस स्नेक में से एक है। अच्छा, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा डेथ होती है ना। हाँ हाँ, यह हाल ही में दिखा हुआ कोबरा, ये इससे पहले भी दो हफ्ते पहले दिखा था। हाँ। लेकिन जब इसको रेस्क्यू हुआ नहीं था ये, और अभी ये बहुत ज्यादा भरा गया। क्या देखो, ओ ओ भाई बहुत जायंट है। अरे बाप रे, नहीं लग रहा है क्या भाई? ये बहुत छोटा पड़ रहा है, स्पेसिंग हाँ हो जाएगा। ये इंडियन स्पीशीज है ना भाई? हाँ, ये जैसे एक्जोटिक उस दिन तुमने स्नेक देखे ना, वैसे ही इनको रख नहीं सकते। हाँ। इनको सिर्फ क्या बोलते हैं, इनको रेस्क्यू करके इधर इंडिया में इसी जो रहता है ना, ये घर वर में आते तो हम लोग रेस्क्यू करके रिलीज करते। अच्छा। इनको रख नहीं सकते, वो बॉल पैथन वगैरह जो है बाहर के साथ उनको पालना अलाउड है, इनको रखना या इनको हैंडल करना भी अलाउड नहीं। हम तो रेस्क्यू हम लोग कर लेते हैं करके, उसके बाद में अपना स्पॉट पर कर लिया। हाँ भाई बेस्ट लगा दिए, बस है ना, बस छोड़ दो, तो सी पूरा सीधा कर दो पीछे, बस इसे ज़्यादा हैंडल नहीं करके ना अंदर डाल देता हूँ। तो ऐसे देखो भाई प्रॉपर रेस्क्यू सीन होते हैं। और भाई मैं तो बता दूँ, मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है और मैं स्टिक मतलब फुल खोल के इसको शूट कर रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा दूर रह के। और ये देख सकते हो अभी इसको थैली में डाल रहे हैं एंड देन इसको उसकी जो लोकेशन है प्रॉपर फॉरेस्ट में इसको रिलीज करेगी उसमें जाने, एंड बड़े प्यार से वो चले गए। नाले के अंदर गिर जाता और कुछ। चलो भाई इसको अभी लेकर निकलते, ज्यादा टाइम नहीं लगा था। तो अभी हमारा रेस्क्यू हो गया है। ओके सो भाई अभी हम लोग अमान भाई ने रेस्क्यू किया है, जैसा कि आप लोग ने वीडियो में देखा होगा अमान भाई ने क्या ही रेस्क्यू किया है। एंड अमान भाई ये जो हमारा स्नेक था ये कौन सा था? ये है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। अच्छा, ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है, हाईली वेनमस है और इंडिया के बिग फोर वेनमस स्पीशीज में आता है, जिनकी वजह से सबसे ज़्यादा डेथ होती है इंडिया में, उनमें से एक है। ओके सो मैं देखो इसको बहुत सारे नागिन के जो सीरियल आते हैं इन सब में देखा, एंड काफ़ी ज़्यादा इसकी मिथ भी है मैंने देखा। हाँ, जैसे कि ये इच्छाधारी होते हैं, ये जिनके अलग जन्म होते हैं ये इंसान बन सकते हैं, वो ऐसा, और फिर इसमें नागमणि होता है, ये दूध पीते हैं, ये सारी चीज़ें मिथ है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना सांप दूध कंज्यूम कर सकता है। हाँ। ओके, और ना ही वो इंसान बन सकता है, जैसे कि इंसान जानवर बन सकता है एक तरीके से इंसानियत को छोड़ के, लेकिन जानवर इंसान नहीं बन सकता है। ओके, और ऐसे अगर दो दूध वगैरह पीने की बात है और नागमणि की बात है तो ऐसा कुछ मनी वगैरह होता नहीं है, ये सारी चीज़ें फेक है मेरे हिसाब से तो। और अच्छा।
इसके बारे में अभी आपको और जो है और वाइल्ड लाइफ के बारे में, अभी रेस्क्यूअर्स की लाइफ के बारे में आप क्या देना चाहते? अभी तो आपने खुद देख लिया, आज आप शूट करने आए थे एक डॉट का, और आज क्या कर लिया तुमने? क्या बहुत कुछ देखो यार, वाइल्ड लाइफ है ना, ये जो रेस्क्यूअर की लाइफ रहती है ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। जहाँ भी आया लोकेशन पे अपने को पहली बात तो पहुँचना रहता है, फिर वो रेस्क्यू जो लोकेशन रहती है ना, मतलब वो केस क्रिटिकल भी हो सकता है। जैसे कि एनिमल मैंने देखा हो, बहुत सारे रेस्क्यू वीडियो में मैंने देखा हो, कहीं भी अंदर चले आते अपने बचाव के लिए, वो सेफ्टी के लिए तो गाड़ी के अंदर जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सीन होते, तो वो उस रेस्क्यूअर जो उधर जाता है उसको एनिमल की सेफ्टी के साथ, एनिमल की सेफ्टी ध्यान देनी पड़ती है, लोगों की सेफ्टी ध्यान देनी पड़ती है ना भाई। और क्या बताना चाहते हो भाई रेस्क्यूअर्स के लिए? जैसे कि अभी देखो कभी भी कॉल आ जाता है, रात की आधी रात में भी कॉल आ जाता है। अच्छा। बड़े से बड़ा सांप होता है, छोटे से छोटा होता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, लेकिन हमको 24/7 अवेलेबल रहना पड़ता है। ओके, क्योंकि इनको हम नहीं बचाएंगे तो सामने वाले को एक ऑप्शन होता है मारने का, दूसरा होता है बचाने का, वो एक अपनी तरफ से एक कॉल कर लेता है। ओके, और उसके बाद एक अगर हम नहीं गए तो फिर उसके बाद एक ऑप्शन हो जाता है कि मारो। हाँ। तो हम इस तरीके से उसको बचा रहे हैं। जैसे कि कभी कभार सा हाथ डालना पड़ता है स्नेक को रेस्क्यू करने, कभी कभार स्टिक नहीं यूज़ होती है, हर जगह पर स्टिक नहीं यूज़ होती है, हम लोग कभी कभार फ्री हैंडल करना पड़ता है स्नेक को। मैं तो दायित्व की बात मैं करता हूँ, मैं बताता हूँ कि मैंने सीखा ही उस तरीके से फ्री हैंडल से, मैं प्रॉपरली ये एथिकल तरीके से लेकर रेस्क्यू नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ अब तक भी मैंने कभी तकलीफ देकर नहीं पकड़ा स्नेक को। और जैसे कि अभी आप लोग देख रहे थे कि सिचुएशन में ओपन था, यहाँ पर काम कर रहे थे लोग। हाँ। और उसके सामने आ गया वो, इसको भी फिर अभी एक सेकंड एक कोबरा भी रेस्क्यू है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। एक सेकंड तो मैं अभी इसका एक हाथ दिखाऊंगा ना सारी जल्दी में, तो ये शायद तो बिल्कुल ले देखो, ये भी एक प्रैक्टिकल कोबरा है। और ये थोड़ा छोटा कोबरा है। और वो कितने फीट का था अमन भाई? ये जो हमने रेस्क्यू किया था वो 5 फीट का था। अच्छा, ये है 2.5-3 फीट के। और वो 5 फीट की जो कोबरा थी उसकी लगभग एज क्या होगी? लगभग एज कंफर्म किसी की स्नेक की नहीं बता सकते, लेकिन हाँ ज़्यादा से ज़्यादा वो एक एडल्ट स्नेक बोल सकते हैं उसको, पूरी तरीके से एडल्ट है। अच्छा। वो और अभी ब्रीडिंग का जो सीजन चल रहा है कोबरा का, तो उसमें कोबरा बहुत ज़्यादा बाहर निकलते हैं। ओके। ऐसा एक वक्त आता ठंडी का जब वो रसो साइज पर निकलते हैं, वैसे अभी ये सीजन है कोबरा का, कोबरा निकलते हैं बाहर, उसी में सबसे बड़े साइज में कि फीमेल वगैरह ही शायद से बहुत हेल्दी थी, मेरी सबसे फीमेल ही, और वो निकल गई, उन्होंने लोगों ने देखा उनको खतरा लगा, तो हमने अभी रेस्क्यू कर लिया। ये एक बात है। और कुछ आप बता सकते हो ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है आपका रेस्क्यू के लिए? हाँ। तो जो आपकी जो टीम है इनका कुछ नंबर की लोगों को जब मिला ऐसा कुछ रहा तो वो आपको कॉल कर सके? हाँ, जैसे कॉन्टैक्ट नंबर मेरा खुद का भी है। हाँ हाँ, वो आप डाल देना डिस्क्रिप्शन वगैरह में, आपको बता दूंगा। ओके। और वैसे हमारी टीम का भी एक नंबर है, मतलब 2-3 लोगों का नंबर, जैसे कि इन मुंबई अगर स्नेक कॉल वगैरह आता है तो मैं आपको नंबर प्रोवाइड करके रखता हूँ, अगर आपको स्नेक वगैरह दिखता है मारो मत, उनके ऊपर ध्यान दीजिए दूर से, और फिर आपको एक रेस्क्यू को कॉल करना है वो आ जाएगा, रेस्क्यू कर लेगा, आपको टच नहीं करना है स्नेक को, पकड़ कर रखना नहीं है, हार्म नहीं करना है कुछ भी, वो काम रेस्क्यूअर का, आपको सिर्फ काम करना है कि ध्यान दो उसके ऊपर, ध्यान देकर वो आकर रेस्क्यूअर अपनी तरफ से रेस्क्यू करेगा, आप लोगों का अवेयरनेस देगा उसके बारे में, और आप भी उससे अवेयर हो जाओगे। और सांपों का रहना बहुत ज़रूरी है अपने आसपास में एनवायरनमेंट में। अच्छा। जैसे कि नॉर्मल बर्ड्स वगैरह रहते हैं वैसे सांपों का भी बहुत ज़रूरी है। हाँ। अवॉइड करना है कम से कम सांपों को पकड़ाया जाए, वेनमस से अगर तकलीफ दे रहा है तो ही पकड़ना है, अगर आंगन वगैरह में घूम रहा है तो छोड़ दीजिए, वो अपने हिसाब से खा पी कर रह लेगा जी, वो आपको तंग नहीं करेगा जब तक आप उसको तंग नहीं करोगे। ओके। सो भाई अभी जो हमने स्नेक रेस्क्यू किया था, अमन भाई ने जो स्नेक रेस्क्यू किया था तो उसे अमन भाई लेके गए हैं, एंड प्रॉपर वो इंटीमेशन होगा एंड जेन उसको रिलीज़ करेंगे अमन भाई अपने हिसाब से। और बस अभी हम लोग जा नहीं पाए अमन भाई के साथ में क्योंकि उनका रोज़ा भी था, हम लोग ने भी इफ्तारी की है और अमन भाई का रोज़ा भी था, तो इस वीडियो के ज़रिए थैंक यू भी कहना चाहता हूँ भाई अमन भाई, और वाइल्ड लाइफ के लिए भी अमन भाई इतना कर रहे हैं, और सारे जो भी रेस्क्यूअर हैं उनको भी इस वीडियो के ज़रिए मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ हमारी वाइल्ड लाइफ के लिए इतना जो कुछ कर रहे हैं। एंड बाय द वे चलो फिर अभी अमन भाई हमें जो वीडियो है उसको रिलीज़ करने का वो मैंने बोला वो अमन भाई प्रोवाइड कर दीजिए, हमारी ऑडियंस देखेगी। एंड बहुत जो भी ये जो स्नेक था ना हमारा तो वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा था, बहुत प्यारा कोबरा था, तो मैं बोला हूँ कि जब रिलीज़ करोगे तो प्रोवाइड करा देना, एंड अमन भाई ने बोले हाँ ठीक है भाई मैं प्रोवाइड करा दूँ। सो दैट्स इट। तुम लोग ये देख सकते हो ये अपना पूरा आ जाए बीकेसी एंड मतलब फुल अमेरिका जैसी बिल्डिंग है वाली। अभी मैं घूम के आ चुका हूँ एंड मतलब काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ यहाँ सैंटा क्रूज, मतलब काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ जाता है पहुँच से, सो वही आ गया फाइनल का। तो भाई मतलब इसके अंदर है अपनी ईद का जोड़ा, चलो थोड़ी झलक दे देता हूँ आपको, टना। तो ये अपना कुर्ता पजामा आज आ गए लेस सिला के, और ये तुम्हारा भाई पहने आया तो आपको ईद में दिखेगी। सो ईद में देखो, बस एक दो दिन तो बाकी है यार, ईद में देखना आप पहन के दिखाऊंगा। I'm walking alone.